आज हमारे मजहब भले ही अलग हो लेकिन पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी के पूर्वज एक ही हैं और वे सब प्राचीन काल से योग करते थे तथा उनका ज्ञान, जीवन व चरित्र बहुत ऊंचा था। हम सब हिंदुस्तानी मूलतः ऋषियों की संतान हैं एवं हमारे जीन्स में ही योग एवं आध्यात्मिकता है। निसंदेह आज भी योग पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की ही देन है। बीते दो दशकों में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके लगभग 20 करोड़ लोगों को शिविरों में प्रत्यक्ष रूप से योग सिखाया है तथा 100 करोड़ से अधिक लोगों ने टीवी एवं अन्य साधनों तथा पतंजलि योग पीठ के लाखों निष्ठावान योग शिक्षकों के माध्यम से योग सीखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति अहर्निश एक निष्ठ अखंड अविरत वन लाइफ वन मिशन इस तरह चरैवेति 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 इस देश में लगातार भ्रमण करता रहे। प्रतिदिन 1.5-2.5 लाख लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहे। मैंने बाबा रामदेव जी से एक बार पूछा था, मैंने कहा योग से ऊर्जा प्राप्त होती है, स्वस्थता प्राप्त होती है, उमंग रहता है, तो सब है, लेकिन चारों तरफ से जब इतनी यातनाएं आती हो उसको झेलने की ताकत कहां से आती है तो बताओ। वे निकले थे तो नागरिकों की स्वस्थता के लिए, वो निकले थे योग के माध्यम से गरीब आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सके, वो निकले थे महंगी दवा गरीब को बचा नहीं सकती है, योग बचा सकता है, इसलिए निकले थे। 21 जून को पूरी दुनिया योग करेगी तो आप भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे परिवार के साथ केंद्र सरकार, पतंजलि योग पीठ व अन्य किसी भी संस्था के द्वारा आपके शहर में जो भी योग का कार्यक्रम आयोजित होगा वहां भाग लेने के लिए अवश्य पहुंचिए। महर्षि पतंजलि के बाद आधुनिक भारत में भी बहुत से महापुरुषों ने योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, उन सब के प्रति भी हम सब पूर्ण कृतज्ञ हैं। भारत में श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग को जन आंदोलन बनाकर घर घर तक योग को पहुंचाया है तथा राष्ट्र के महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 177 देशों के समर्थन से यूएन के माध्यम से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करवाकर योग एवं भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर बहुत बड़ा गौरव दिलवाया है। 21 जून को प्रातः 7 बजे पूरी दुनिया योग की जिन 21 प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करेगी उस योग को तथा अन्य संपूर्ण योग एवं ध्यान आदि को सीखने के लिए आप प्रातः 5 से 8 तथा सायंकाल 8 से 9 बजे तक देश के नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल आस्था टीवी को अवश्य देखिए। रोग एवं तनाव मुक्त, निरोगी, निर्व्यसनी, सुखी एवं शांतिमय जीवन जीने के लिए योग को आप अपने जीवन शैली में जरूर अपनाइए। पतंजलि योग समिति और पतंजलि महिला योग समिति की ओर से 2 लाख योग शिक्षक भाई बहन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उल्लास पूर्वक आयोजित करने के लिए प्रयासरत हैं। योग शिक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निर्धारित योग अभ्यास प्रोटोकॉल का जहां जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के ये कार्यकर्ता जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्नरत हैं। वर्तमान में जो योग की अलख पूरी दुनिया के अंदर जगी है इसके पीछे स्वामी रामदेव जी की पिछले लगभग 20 साल की जो तपस्या है, आराधना है, उसका ये परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में योग की गूंज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है ये एक हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। योग जो
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाबा रामदेव के अथक प्रयासों से ये 21 जून को जो योगा इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, ये वाकई में एक किसी भी धर्म और जाति से उठकर ये मानवता के लिए हैं और मानवता के कल्याण के लिए हैं। कहने को तो ये हमारी धरोहर है, पुरानी पद्धति है, लेकिन इसको जिस तरीके से आज इसको नए रूप में लाकर इसे फैलाया और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और बाबा रामदेव जी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। योग से मैंने स्वयं अपरिमित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक बल पाया है और करोड़ों लोगों के जीवन में भी मैंने योग के द्वारा एक सकारात्मक परिवर्तन को अनुभव किया है। आप भी रोग एवं तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग को अपनी जीवन शैली बनाइए। मधिमस्तु मामिर्विषामहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्ताईस सितंबर 2014 भारत की धरोहर योग को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच की 69वीं यूएन जनरल असेंबली में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शौर्य साहस भरी हुई ओजस्वी वाणी में विश्व समुदाय को योग की महत्ता समझाते हुए योग को अपनाने का प्रस्ताव रखा। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 11 दिसंबर 2014 का ऐतिहासिक दिन, जब एक वजीर एक फकीर की जोड़ी ने योग को किया विश्व पटल पर स्थापित। इसी दिन योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के वर्षों के तप और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ से संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई और योग की वैज्ञानिकता एवं सार्वभौमिकता को स्वीकार कर ऐतिहासिक कदम उठाया। ये निर्विवादित सत्य है कि विश्व समुदाय द्वारा योग को अपनाए जाने का जो ये वातावरण तैयार हुआ है, उस वातावरण के निर्माण में किसी व्यक्ति विशेष का यदि सबसे अधिक योगदान है तो वो हिमालय जैसे व्यक्तित्व के धनी भारतीय संन्यास परंपरा के गौरव योग ऋषि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के तप का परिणाम है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने पिछले 20 वर्षों में 20 लाख किलोमीटर की यात्रा कर 20 करोड़ लोगों को योग सिखाया एवं योग के प्रति जागरूकता एवं विश्वास पैदा किया।
सदियों से कंदराओं, गुफाओं और बंद कमरों तक सिमटे योग को ऋषि संस्कृति के संवाहक परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने प्राणायाम और सरल आसनों के माध्यम से हर घर के ड्राइंग रूम से लेकर पार्कों तक योग को पहुंचाकर शून्य से शिखर पर आरोहित किया। हमारे यहाँ योग की जो कल्पना थी वो पहले ऐसी थी कि भाई ये तो गुफाओं में संतों महंतों का ही विषय है, इसके बाहर नहीं जा सकता। बाबा रामदेव जी ने एक बहुत बड़ी सेवा की है कि योग को उन्होंने रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जन सामान्य को उसके साथ जोड़ने का अभियान चला दिया। उन सारी कल्पनाओं को उन्होंने ढेर कर दिया कि ये तो कुछ ही लोगों का विषय है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो इतना बड़ा विराट रूप है आज इस योग आंदोलन का, इसका प्रारंभ सूरत में हुआ था। और मुझे उस पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला था। और तब से ये जो चल पड़ा है, और योग सिर्फ रोग मुक्ति का साधन है ऐसा नहीं है, योग ये भोग मुक्ति का भी साधन है। योग से रोग मुक्ति भी है, योग से भोग मुक्ति भी है। मन वचन और कर्म तीनों में संतुलन बिठाने का काम योग से सहज सिद्ध होता है। और इसलिए एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए और आज पूरे विश्व में होलिस्टिक हेल्थ केयर में जो लोग विश्वास करते हैं, योग ने एक बहुत बड़ा आकर्षण पैदा किया है। ये योग के माध्यम से शक्ति पैदा हुई है, राष्ट्र शक्ति निर्माण हुई है। मैं इस महान पवित्र अभियान को प्रणाम करता हूं मुझे बाबा रामदेव जी के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ, एक यज्ञ चलाया है उन्होंने, इस यज्ञ को भी मैं नमन करता हूं। सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थान पतंजलि योग पीठ ने विश्व पटल पर योग को जीवन शैली के रूप में पुनर्जीवित किया है। बाल्यकाल में कठिनाइयों से जूझते हुए गुरुकुलीय शिक्षा संपन्न कर 1995 से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महर्षि पतंजलि प्रणित अष्टांग योग के प्रचार प्रसार में एवं उसके अनुसंधान परक शोध कार्य में निरंतर संलग्न है। संस्थान द्वारा प्रत्येक रोग पर योग के प्रभावों का कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल एवं जेनेटिक रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन किया गया। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों का वृहद विवरण विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक में दिया गया, जिसका प्रकाशन सन 2007 में किया गया था। परम सम्माननीय योग गुरु योग ऋषि बाबा रामदेव जी, मैं बाबा रामदेव को 21वीं शताब्दी के स्वामी विवेकानंद मानता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप भारत को जानना चाहते हो, भारत की आत्मा को पहचानना चाहते हो, तो उनका एक ही बात था कि स्वामी विवेकानंद को जानो। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि अगर भारत को जानना चाहते हो तो योग को जानो। हर मानव की आवश्यकता है कि वो शरीर और मन में शांति हो और शक्ति हो, और वो दोनों चीजें हमें योग से प्राप्त हो। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत के गांव गांव और शहरों में अनेकों विशाल योग शिविरों का आयोजन कर पूज्य स्वामी जी ने करोड़ों लोगों को सामूहिक योग दीक्षा दी और योग को जन जागरण के रूप में परिवर्तित कर स्वास्थ्य क्रांति का सूत्रपात किया। पद
पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित अनेक शिविरों में एक समय में एक साथ 1,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और अनुलोम विलोम और कपाल भाती सहित योग की अनेक क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर सामान्य से लेकर जटिल व्याधियों से मुक्ति पाई। इन योग शिविरों में अभ्यास करने वाले योग साधकों ने योग से उनके जीवन में जो सकारात्मक गुणात्मक रचनात्मक परिवर्तन हुए उन अनुभवों का उन्होंने अनेक शिविरों में साझा किया। मेरा नाम अलका है। मुझे डिलीवरी के टाइम पे मेरा हार्ट फंक्शनिंग डाउन हो गया था। मेरी ट्विंस बेटियां हैं और मैं उन्हें बिल्कुल नहीं संभाल पाती थी। आज की डेट में मैं उन दोनों को गोदी में लेके चलती हूँ, उनका सारा काम करती हूँ और मुझे सांस भी नहीं चढ़ता। और वैसे मैं बेड के ऊपर तकियों पे बैठ के रात गुजारा करती थी, अब मैं प्लेन बेड पे बिना तकिए के भी सो जाती। मुझे कैंसर अस्थमा व आर्थराइड था। 12 साल से मेरा ऑपरेशन हो चुका है। मैं 12 साल से लगातार दवाइयाँ ले रही हूँ। मुझे कीमोथेरेपी भी लगी। कीमोथेरेपी में सभी के बाल उड़ जाते हैं लेकिन मेरे बाल नहीं उड़े। और मैं डेली बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाती थी लेकिन मैं 5 किलोमीटर डेली घूमने जाती हूँ। मैं अनिल शर्मा फरीद नगर लुधियाना से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है, जो आज तक सभी डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया था कि इसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और मैंने ये इसका ब्रेन बिल्कुल अलर्ट होने के कारण ये शिफाली पब्लिक स्कूल सुंदर नगर में इंग्लिश मीडियम पढ़ता है और इसको कपाल भांति और लोम विलोम मैं नियमित रूप में करवाता हूँ। अब ये कंप्यूटर भी सीखता है और अपनी क्लास में 95% मार्क्स लेता है। मेरा नाम सुलोचना उगले है। मैं तो 10 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हूँ लेकिन आस्था से शुरू किया और मेरा स्टीरॉइड्स वगैरह सब मैंने छोड़ दिया। अभी ठीक हूँ, थोड़ा दर्द है लेकिन बाकी बहुत आराम मिल गया है। योग को पूरी दुनिया में फैलाने में सबसे अग्रणी संस्थान पतंजलि योग पीठ के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी एवं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने योग से देश व दुनिया को जोड़कर शांति और सद्भाव को स्थापित करने में महती भूमिका निभाई है, जिसके फलस्वरूप पूरे भारत व विश्व के अनेक महापुरुष, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों या ईसाई धर्मगुरु, अनेक मतावलंबी संत महात्माओं ने अपने कर कमलों से पूज्य स्वामी जी महाराज को सम्मानित किया। देश विदेश के प्रतिष्ठित समाज सेवी हो या बुद्धिजीवी, अभिनेता हो या अभिनेत्रियां, व्यापारी हो या उद्योगपति, अधिकारी हो या राजनेता, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के योग का लोहा माना और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जी एवं ब्रिटेन की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुश्री पैट्रिसिया हैबिट को पूज्य स्वामी जी ने योग सिखाया और योग के विभिन्न प्रभावों पर सार्थक संवाद किया। यूनेस्को जैसी वैश्विक संस्था ने सन 2007 में गरीबी मिटाओ आंदोलन में स्वामी जी से आह्वान करने की अपील की थी। तब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर आयोजित स्टैंड अप अगेंस्ट पॉवर्टी कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी ने हिस्सा लेकर भारत का गौरव बढ़ाया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अमेरिका में न्यू जर्सी के सीनेट तथा जनरल असेंबली द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी पूज्य स्वामी जी को सम्मानित कर योग और भारत का गौरव बढ़ाया। गत अप्रैल 2015 को ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया सीनेट के सदस्यों ने श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा योग को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए सम्मानित किया। योग के क्षेत्र में बाबा रामदेव जी का योगदान महान है। 20 साल से ये योग का
प्रचार और प्रसार में आपको अर्पण कर दिया है। इसलिए कितना यूथ युवकों ने पाश्चिमात्य प्रभाव से अच्छा रास्ता छोड़कर शरीर स्वास्थ्य को खराब कर लेता था, उन सबको स्फूर्ति देके अच्छा योग करना, योग से मन का और शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाया है। उतना लाखों यूथ वो हमारा संपत्ति है, उसको बनाने का कार्य रामदेव जी ने किया है। इतना बड़ा राष्ट्र से दूसरा कोई नहीं है, इसलिए बहुत युवकों ने फॉरेन ड्रिंक्स वो सब छोड़ दिया है, वो हमारा देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अभी 16 जनवरी 2015 को हरियाणा सरकार द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी को हरियाणा प्रांत का योग एवं आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी, आचार्य यशदेव शास्त्री जी, श्रीमान राम भरत जी के साथ डॉक्टर जयदीपाल, भाई राकेश कुमार, बहन सुमन जी, बहन सविता जी सहित अनेक अनेक लोगों ने अपने परिश्रम और सेवा के एक एक बूंद से योग के अथाह सागर में ऐसी अनन्य श्रृंखला बनाई जो अब अनंत लोगों के जीवन को योगासन व प्राणायाम से अभिसिंचित कर रही है। आधुनिक काल के सबसे बड़े स्वास्थ्य आंदोलन के प्रणेता योग मर्मज्ञ पूज्य स्वामी रामदेव जी ने संपूर्ण विश्व के कोटि कोटि जनों के हृदय को योग से जोड़ने के उद्देश्य से पतंजलि योग पीठ द्वारा 2 लाख से अधिक योग प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर योग शिक्षकों की ऐसी विशाल योगमाला का निर्माण किया है जो आने वाले सदियों तक जनमानस को योग द्वारा स्पंदित करती रहेगी। जनवरी 2009 को योग से वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का आंदोलन भारत स्वाभिमान का गठन किया गया, जिसमें आज लाखों भाई बहन अपना खून पसीना एक कर सामाजिक आध्यात्मिक वैचारिक जन आंदोलन में अपना सहयोग देकर भ्रष्टाचार मुक्त सबल भारत के निर्माण में संलग्न है। एक वजीर एक फकीर की जोड़ी ने पूरे विश्व में योग को जिस तरह पुनर्स्थापित किया उसकी प्रशंसा और संस्तुति देश के शीर्ष संतों के साथ साथ अनेक विशिष्ट जनों द्वारा की गई है। 21 जून वैश्विक योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा आनंद और गौरव का दिन है। यद्यपि योग विद्या बहुत आदिकाल से हमारी प्रवाही परंपरा में चली आई है, लेकिन योगाचार्य पूज्य रामदेव जी बाबा ने योग को गुफाओं से निकाल कर मैदान में रख दिया और 20 साल से ये योगी ये फकीर अनवरत योग की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे मन में आज विश्व 21 तारीख को योग दिन के रूप में आनंद के साथ योग दिवस मना रहा है, उसमें एक योगाचार्य युवाचार्य पूज्यपाद रामदेव जी बाबा का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, इतिहास को उसकी नोंद लेनी होगी।
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आप भी भारतीय विद्याओं के उपासक रहे, योग के प्रति आपका भी इतना आदर और अभ्यास रहा, और आपने भी वैश्विक संस्था यूनो में 170 से ज़्यादा देशों की सहमति प्राप्त करवाई और योग जैसी परम विद्या को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में विश्व के मैदान में स्थापित किया। एक वजीर और योग के परम आचार्य, एक फकीर, ये दोनों का इसमें बहुत बड़ा उपकारक योगदान माना जाएगा। पुनः एक बार वैश्विक योग दिन के मंगल अवसर पर मेरी व्यासपीठ की ओर से सबको बधाई, शुभकामना, प्रणाम और जय सियाराम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से एक बड़ा गौरव 21 तारीख को भारत देश को मिलने जा रहा है। हम सब भाग्यशाली हैं और रामदेव बाबा जी का हमें अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने योग को पूरे दुनिया में फैलाने में बहुत मदद की। योगा हो, आयुर्वेदा हो, इस क्षेत्र में जो कुछ रामदेव बाबा जी ने काम किया है वो बहुत बड़ा कार्य है, और इसलिए आज जो कुछ पूरे दुनिया में योगा का जो कुछ आज हमें ये अच्छी बातें देखने आई है उसमें उनका बहुत योगदान है। 21 जून का जो कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मना रहे हैं, बल्कि पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर कम से कम 193 देशों में इस योगा का आयोजन हो रहा है। पतंजलि योग समिति और पतंजलि महिला योग समिति की ओर से 2,00,000 योग शिक्षक भाई बहन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उल्लासपूर्वक आयोजित करने के लिए प्रयासरत हैं। योग शिक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निर्धारित योग अभ्यास प्रोटोकॉल का जहां जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के ये कार्यकर्ता जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्नरत हैं। सारे विश्व में 21 जून के योग दिवस को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। पिछले काफ़ी समय से ये विधा लुप्त हो गई थी, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने इसको पुनर्जीवित किया है। उनके पुरुषार्थ से आज योग दोबारा जिंदा हुआ। आज सारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्या सारे संसार में आज योग की बात गई। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने में बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान। योग को पुनर्जन्म करने वाले स्वामी रामदेव जी जो हैं, इसकी वजह से भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बन गया है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामय। मैं समझता हूँ कि योग इस वाक्य को भी प्रमाणित रूप से अच्छा और पूरा प्रूव करता है। इक्कीस जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उल्लास, उमंग व उत्साह से मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित योग विशेषज्ञ समिति में पतंजलि योग पीठ सहित देश के विभिन्न योग संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन हेतु एक सरल, रोचक एवं मात्र 35 मिनट के योग प्रोटोकॉल में 21 प्रकार की योग क्रियाओं का निर्धारण किया गया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस प्रकार से दुनिया भर में जो योग को मान्यता मिली है इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव जी के इस प्रकार के प्रयत्नों का
मैं बहुत सराहना करता हूँ कि इस जोड़ी ने मिल करके योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। योग हमारी इस देश की एक परंपरा विश्वविख्यात हुई। मैं इसके लिए देश भर के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस योगा लवर्स टू सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन June 21st। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर हु सजेस्टेड दिस इन द UNO, वाज अप्रूव्ड and supported by 177 countries out of 193, as all of you know. We have developed a common protocol based on the suggestion from all the yoga masters in the country. It's a 35 minutes module. First it starts with a prayer, then 5 minutes Rusani practice, 15 minutes asanas, 5 minutes pranayam, 5 minutes meditation, a resolve and a closing prayer. And this will be demonstrated all over the country, all over the world. And in India, it's between 7 to 7:35. And in bigger groups, in the smaller groups, in schools, colleges, hospitals, everywhere we want it to happen, and down to the villages. And in Rajpath, there's going to be a big demonstration of about 35,000 people. And this will go to the World Book of Records. So in the world at large, there are a large number of yoga schools. And most people believe that yoga is some sort of physical exercise. And Swami Ramdev brought in the new dimension to get more popularized to pranayama. Yoga is not merely asana, but it is a way of living. It consists of asana, pranayama, meditation, mudras, panthas, kriyas, and all these things. And it is this holistic perspective that has to be projected large as our Indian heritage. And Swamiji is doing it so wonderfully well around the globe. And in India, it's so amazing to see how Padma Yoga Peeth brought this dimension and knowledge base to the whole country, and through the Artha channel, and Samskar and others, it has been propagated in a very big way. And also for Ayurveda, by Balakrishna Acharya ji bringing Ayurveda. This is the right direction for the whole country that he is giving. Yog Divas ke liye Kendra Sarkar ki pahal par देश भर में NCC, NSS के विद्यार्थियों को योग का प्रशिक्षण देने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशों पर पतंजलि योग पीठ ने उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत में 10,000 से अधिक योग शिक्षक तत्काल उपलब्ध कराए। 125 करोड़ भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया जब हिंदुस्तान की इस विधा को सारे संसार ने स्वीकार कर लिया। आज सारा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। सारे विश्व में 21 जून के योग दिवस को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। योग हिंदुस्तान में बहुत पुरानी विधा है। इसको महर्षि पतंजलि ने 5,000 साल पूर्व प्रयोग करके इसको तैयार किया था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से यह विधा लुप्त हो गई थी, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने इसको पुनर्जीवित किया। उनके पुरुषार्थ से आज योग दोबारा जिंदा हुआ। आज सारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्या सारे संसार में आज योग की बात गई। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने UNO में जाकर इस मुद्दे को उठाया। लगभग 170 देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान। पतंजलि योग पीठ द्वारा प्रशिक्षित 2,00,000 योग शिक्षकों को तथा संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों भाई बहनों को संपूर्ण विश्व में योग के इस विराट कार्यक्रम में जन भागीदारी करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। मैं प्रणाम करता हूं पूज्य बाबा रामदेव को और मैं नमन करता हूं नरेंद्र भाई मोदी को। एक फकीर और एक वजीर, इन दो की जोड़ी ने और योग को जो विश्व में स्थापित किया है, ये भारत की प्राचीन विधा है, ये जीने की एक कला है, इसको सब स्वीकार करने लगे हैं।
और 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। ये बड़ा गौरव गाथा का एक हिस्सा है और ये पूरी दुनिया ने बाबा रामदेव जी का जो 20 साल का तप है और नरेंद्र भाई का उसके साथ जुड़ना है, उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से बाबा रामदेव की जो साधना है उसको विश्व के पटल पर 177 देशों ने उसको स्वीकृति दी। मंत्र बाबा का है, व्याख्या नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और स्वीकार पूरी दुनिया ने किया है। ये जीने की एक कला है। ಒಬ್ಬ ಸಾಹಸಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಭಾಯಿ ಮೋದಿಯವರು ಯುವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 177 ದೇಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 47 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬರುವ 21ನೇ ಜೂನನ್ನು ಯೋಗ ದಿವಸವನ್ನಂತ ಆಚರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಎರಡೂ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಜನರ ಮನ ತಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೇನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ದೇಶದ 125 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ 177 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಿಶ್ವಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಯಮ ಇದೆ, ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನನಗೆ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾಜಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರ ಪರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ನೇಪಾಳ ಆದಿ ದೇಶೋ ಮೇ ಲಗ್ಭಗ್ 1100 ತಥಾ ದೇಶ ಮೇ 1,00,000 ಛೋಟೆ ಬಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ 21 ಜೂನ್ ಕೋ ಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಮನಾಯಾ ಜಾಯೆಗಾ. ಭಾರತ ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश आभारी है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में दुनिया के सभी देशों से इस बात का आग्रह किया कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करें। पूज्य बाबा रामदेव जी ने योग को जिस ढंग से व्यक्ति के दैनंदिन जीवन से जोड़ दिया, एक व्यावहारिकता पर लाकर खड़ा किया। पहले योग कुछ लोगों के करने का एक माध्यम माना जाता था, लेकिन पूज्य स्वामी जी के प्रयास से दुनिया में हर जाति, वर्ग, संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग, सभी को ये लगता है योग हमारे जीवन के लिए एक खुशहाली का कारण है। केवल मात्र स्वास्थ्य रक्षा ही नहीं है, इससे जीवन में अनेक प्रकार का संयम और समन्वय स्थापित होता है और उसी का परिणाम है कि संपूर्ण दुनिया में योग को एक अलग तरह की प्रसिद्धि मिली है। और निश्चित रूप से इस प्रसिद्धि में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के योगदान को निश्चित रूप से इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो निरंतर प्रतिवर्ष 21 जून को आएगा, इसके माध्यम से दुनिया में खुशहाली का एक नया माहौल बनेगा, सुख और शांति का एक नया माहौल बनेगा।
इसमें सभी सहभागी हों, यही मेरी प्रार्थना है। भारत में हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने पतंजलि योग पीठ के साथ मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दिव्यता एवं भव्यता से मनाने का संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पतंजलि की ओर से भाग लेने वाले 5200 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में गत 14 जून को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। साथ ही 15 एवं 16 जून को हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा हरियाणा के माननीय मंत्रीगण, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, सांसदों, विधायकों, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों एवं बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए योग की दीक्षा ली। दिल्ली के राजपथ से लेकर के देश और दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में एक साथ करोड़ों लोग प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने वाले हैं। ये योग का और भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर सबसे बड़ा सम्मान और गौरव का दिन होगा, और उस दिन करोड़ों लोग योग करेंगे, हम और आप सब योग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, 177 देशों के समर्थन से, और उसमें भी 47 मुस्लिम देशों के समर्थन से जो यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, उसके लिए सबका एक बार अभिनंदन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन है, जिन्होंने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने के लिए यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, और अब 21 जून को पूरा देश और पूरी दुनिया योग करेगी। राजपथ पर होने जा रहे मुख्य कार्यक्रम में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज एवं आयुष मंत्री श्री श्रीपाद नाइक द्वारा आमंत्रित किया गया है। पतंजलि योग पीठ के शिल्पी आयुर्वेद मनीषी परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए संपूर्ण विश्व एवं भारतवासियों से आह्वान किया। श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ, 2 दशक से लंबी अथक यात्रा, हिमालय की सुदूर चोटियों से लेकर के समुद्र और समुद्र से पार पूरे विश्व के अंदर अभियान, योग जागरण, योग को सिखाने की भावना, योग के द्वारा विविध वैज्ञानिक आधारों से उसको प्रमाण को प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयास, 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष योग सिखा करके इस पूरी दुनिया में योग को सबसे ज़्यादा पहचान दिलाने में, रुचि पैदा करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक ओर श्रद्धेय स्वामी जी का योगदान, वहीं दूसरी ओर माननीय जननायक हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएनओ में जाकर के योग को पूरी दुनिया के सामने पूरी प्रामाणिकता के साथ में स्वीकार्यता दिलाना, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा जो बड़ा काम किया जा रहा था योग के संदर्भ में, उसको प्रामाणिक करने का कार्य उन्होंने किया, जिसके द्वारा आज योग और भी एक उदात्त स्थिति में पहुंचा है। ऋषियों की हमारी इस वैज्ञानिक विधा को आज पूरी दुनिया उसको जानने के लिए, समझने के लिए लालायित है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा करा करके इस योग की परंपरा को सतत जनमानस के में एक जागृत रहे, चेतन रहे, उसका प्रयास किया गया। यह बहुत ही स्तुत्य कार्य है। मैं संपूर्ण विश्ववासियों से, पूरे भारतवर्ष के हमारे संपूर्ण लोगों से हमारा आग्रह है कि हम इस योग विधा को अपने जीवन में अपना करके, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है, श्रद्धेय स्वामी जी का जो पुरुषार्थ है,
वह पुरुषार्थ वह हमारी संस्कृति के लिए है। तो ये बहुत बड़ा कार्य जो श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर इसको मान्यता दिलाने का जो कार्य हुआ है, उस कार्य को हम भूरिशः प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करते हैं कि आइए योग करिए, स्वयं स्वस्थ रहिए और देश को निरोग बनाने में अपनी भूमिका स्वयं तय करिए। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर जयदीप आर्य जी एवं भाई राकेश कुमार जी ने कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में योग दिवस पर होने वाली तैयारियों के बारे में बतलाया। पतंजलि योगपीठ यूं तो पिछले 20 वर्षों से योग की सेवा में रत है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय वंदनीय आचार्य जी के माध्यम से और अन्य अनेक गुरुओं के माध्यम से योग विश्वभर में प्रसारित करने में सबसे अधिक यदि योगदान रहा है तो भारत का रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो भाई राकेश जी, बहन सुमन जी के नेतृत्व में 10,000 कार्यकर्ता योग शिक्षक गांव-गांव तक योग को प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। और यदि वैश्विक परिदृश्य में बात की जाए, राष्ट्रीय परिदृश्य में बात की जाए तो 2,00,000 कार्यकर्ता योग शिक्षक इस योग दिवस को मनाने के लिए गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी कार्य कर रहे हैं। और माता सुनीता पोद्दार जी के नेतृत्व में यूके में 400 कार्यक्रमों का होना, यूएसए में भाई शेखर जी के नेतृत्व में 50 कार्यक्रमों का आयोजन होना, कनाडा में डॉक्टर गगन भल्ला जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सुंदर आयोजन की रचना होना, ये प्रदर्शित करता है कि भारत की यह पतंजलि योगपीठ का कार्य केवल राष्ट्रीय स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर ही सीमित नहीं है, यह पूरे वैश्विक स्तर पर अपने कार्य में संलग्न है। 2,00,000 योग शिक्षकों की पूरी टीम इस कार्य में अहर्निश अपना योगदान कर रही है। 21वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने प्रामाणिकता के साथ भारतीय पद्धति को, भारतीय दर्शन को, योग को स्वीकार किया है। योग जिसको भारतीय ऋषियों ने पूरे मानव मात्र के लिए दिया, योग किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। योग तो संपूर्ण मानवता के लिए है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए है। उसी भारत की प्राचीन परंपरा योग को विगत कुछ सौ वर्षों में भुला दिया गया था, उस योग को दोबारा से कंदराओं से, गुफाओं से निकालकर, पुस्तकों से निकालकर हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, हर गांव तक, गली तक, मोहल्ले तक पहुंचाने का काम, उस योग को हर घर घर तक पहुंचाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी और पतंजलि योगपीठ परिवार ने किया है। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आज 1,00,000 से अधिक योग की कक्षाएं इस देश में और विदेशों में, हजारों की संख्या में योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। पतंजलि योगपीठ परिवार 21 जून विश्व योग दिवस के माध्यम से, एक दिन तो प्रतीकात्मक है लेकिन पतंजलि योगपीठ परिवार का यह संकल्प है कि भारत को, योग को भारत के 6,38,365 गाँवों में, भारत के 225,000 व्यक्तियों तक और भारत ही नहीं दुनिया के एक एक व्यक्ति तक योग पहुँचाने के लिए, योग को पहुंचाने के लिए, योग के विज्ञान को, योग के ज्ञान को पहुंचाने के लिए पतंजलि योगपीठ परिवार संकल्पित है। और पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में, पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्प से निश्चित ही भारत दोबारा से विश्वगुरु बनेगा, पूरी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का सिरमौर बनेगा। महिला पतंजलि योग समिति की केंद्रीय प्रभारी बहन डॉक्टर सुमन जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए सभी से निवेदन किया। एक वजीर और एक फकीर मिलकर के बनाते हैं किसी राष्ट्र की तकदीर। एक फकीर यदि अपने राष्ट्र के उत्थान के बारे में, उन्नति के बारे में, विकास के बारे में यदि नहीं सोचेगा, विचार नहीं करेगा तो उसका उच्च आदर्श युक्त ज्ञान इस राष्ट्र के लिए ज़्यादा काम नहीं आएगा, अपितु वह तो इस राष्ट्र के लिए एक भार स्वरूप नागरिक बन करके ही रह जाएगा। जबकि एक सन्यासी का जीवन तो हर पहलू से इस राष्ट्र के लिए, मानव मात्र के लिए आदर्श जीवन से युक्त होना चाहिए। दूसरी तरफ एक वजीर यदि वह अपने आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों को गौरव प्रदान नहीं करेगा तो वह निरंकुश होकर के पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हमें प्रसन्नता है
इस देश के वजीर आदरणीय श्री मोदी जी तथा इस देश के उच्च आदर्श युक्त संत फकीर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तथा भारत स्वाभिमान के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता मिलकर के मानव मात्र को योगी बनाने की एक मुहिम चला रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। योग करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। 21 जून 2015 जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब मनाने जा रहे हैं, इसका राजनीतिक दृष्टि से आदरणीय श्री मोदी जी को श्रेय जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से योग को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय केवल और केवल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जाता है। योग हमारे ऋषियों की एक ऐसी अमूल्य धरोहर है हम सब के लिए, और हमारे लिए ही नहीं, क्योंकि ऋषियों का और वैज्ञानिकों का ज्ञान किसी देश या किसी मानव मात्र के लिए नहीं होता है, अपितु वह तो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक होता है। मुझे प्रसन्नता है विश्व के 200 देशों ने, और जिसमें 47 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर के अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उत्थान के लिए योग को अपनाया है। मैं उन सबको बधाई देते हुए उन सब से एक विनम्र आह्वान करती हूँ कि 21 जून को सब अपने घरों से निकल करके योग का अभ्यास करें, अपने तन मन और वतन को स्वस्थ बनाने के लिए एक नई शुरुआत करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूज्य स्वामी जी ने इस वर्ष 21 जून 2015 से 20 जून 2016 तक एक वर्ष के इस कालखंड में मोटापा से रोकथाम व निवारण हेतु डॉक्टर शर्ले टेलिस के निर्देशन में एक वर्षीय विशेष अनुसंधान परक योग शिविरों के आयोजनों की घोषणा की। इन शिविरों के माध्यम से धरती माँ पर से 1 करोड़ किलोग्राम के लगभग का वजन कम करने का ध्येय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जन भागीदारी करने तथा योग के प्रति एक वातावरण निर्माण करने के उद्देश्य से भारत स्वाभिमान के युवाओं को विशेष रूप से योग प्रतियोगिताओं और बौद्धिक गोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य प्रदान किया गया है। आइए हम सब मिलकर भारत की देन योग को पूरी दुनिया में जन जन तक पहुंचाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महाअनुष्ठान में प्राण प्रण से जुड़कर स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली के लिए योग की दिव्यता को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। आओ योग को जीवन में आत्मसात करो व असंभव को संभव बनाओ। पतंजलि योग समिति और पतंजलि महिला योग समिति की ओर से 2 लाख योग शिक्षक भाई बहन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उल्लासपूर्वक आयोजित करने के लिए प्रयासरत हैं। योग शिक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निर्धारित योग अभ्यास प्रोटोकॉल का जहां जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के ये कार्यकर्ता जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्नरत हैं। हर मानव की आवश्यकता है कि वो शरीर और मन में शांति हो और शक्ति हो, और वो दोनों चीजें हमें योग से प्राप्त होती। आज की इस आपाधापी वाली और तनाव की जिंदगी में हम तमाम सब लोग और आज की नौजवान पीढ़ी खास तौर पे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना है, और उसका एक ही इलाज है, वो इलाज योग है। हमारी वर्षों से चली आ रही इस विद्या को जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी, उस विद्या को पुनर्जीवित करने में जो योगदान बाबा रामदेव जी का, पूजनीय रामदेव जी का रहा है, उसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद।